हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मिक्स एंड मैच शॉपिंग हॉल वीडियो। मैंने रिसेंटली ही बहुत सारी वेबसाइट से शॉपिंग की थी, जैसे कि फॉरएवर 21 से, H&M से, वेस्ट साइट से, आजियो से। तो बहुत सारी मैंने शॉपिंग की थी जिसमें मैंने फुटवियर, क्रॉप टॉप, सलवार कमीज सारी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना लूँ, जैसे कि अगर आपको कोई आइटम पसंद आता है तो आप इजिली उसको ले सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये जो परचेजिंग है मेरी ऑलमोस्ट जो 1 month पहले की है, जब थोड़ी सी विंटर जाने वाली थी ना उस टाइम की है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, वेबसाइट पे सेल चलती है, पूरे 1 month रहती है वो सेल, बहुत अच्छा अच्छा आइटम आपको सेल में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश में ढूंढोगे तो ये थोड़े से एडवांस होके फ्रेश में भी आ चुके होंगे। तो ये उस टाइम से मैंने एक प्लाजो और एक कॉर्डराइज का कुर्ता परचेज किया था। तो कुर्ते का जो कलर है मैं आपको बताती हूँ, ग्रे कलर का मैंने एक कुर्ती परचेज की थी। अभी तो मैंने इसको 1 time वियर कर लिया है और वॉश करके रख दिया, दैट्स व्हाई इसमें थोड़े से आपको रिंकल्स भी मिल जाएंगे। तो ये ना थोड़ी सी जैसे कि हल्की सी जब सर्दी आती है या सर्दी जाने वाली होती है ना, उस टाइम के लिए एकदम ये एप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है ना वो कॉर्डराइज है। आप देख सकते होंगे इस तरीके से, अभी तो आपको बहुत सारे रिंकल्स मिल जाएंगे और आई होप आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको दिख पा रही होगी। तो कॉलर टाइप का पूरा जो शर्ट पैटर्न होता है ना, तो ये कुर्ता पूरा ही शर्ट पैटर्न का है। आगे आपको इस तरह की कॉलर की डिजाइन, पीछे भी प्रिंट किया मिल जाएगा और पूरे जो कुर्ता है उसमें आपको यहाँ से फ्रंट में बटन्स मिल जाएंगे, आगे 2 pocket मिल जाएंगे। अच्छा सा पठानी लुक ये आपको देता है। इसकी स्लीव्स भी क्या है, विंटर के अकॉर्डिंग है ना, फुल एकदम स्लीव्स है। और आप देख पा रहे हैं इसमें ना, मतलब आप इसको एज अ ड्रेस काइंड ऑफ भी पहन सकते हो, कि साइड में आपको स्लिट प्रोवाइडेड इसमें नहीं है, सिर्फ एक बीच का ही हल्का सा ये स्लिट है बटन की वजह से। अदरवाइज ये सारे बटन जो है वो ओपन होते हैं, तो आप इसको स्टाइल कर सकते हैं किसी भी टी शर्ट्स के वगैरह ऊपर। तो समर के हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है ठीक होगा, लेकिन अगर आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे वेदर ऐसा रहता है तो आप इसको एज अ जैकेट, एज अ ड्रेस, एज अ कुर्ती स्टाइल कर सकते हैं। साइड में पिक्चर्स डाल दूंगी जब मैंने इसको वियर किया था, और आई थिंक मुझे ये स्टील डील में था 600 rupees में मैंने इसको बाय किया था। तो इसी से मैच करने के लिए मैंने सेम फैब्रिक का, कॉर्डराइज फैब्रिक का ही प्लाजो मंगाया था। तो वैसे ही इस प्लाजो को भी आप मल्टी वे में क्या कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। तो मैं सारी पिक्चर्स डाल दूँ, जैसे मैंने इसको टी शर्ट के नीचे भी स्टाइल किया है, इसको मैंने इस कुर्ते के साथ भी स्टाइल किया। तो यहाँ पर क्या है, 4 button वाला ये इलास्टिकेटेड और आगे से बेल्ट वाला प्लाजो है, जो कि बेसिकली एक हाई वेस्ट प्लाजो है। इसकी जो लेंथ है ना वो एंकल लेंथ है और फैब्रिक इसका सेम है। आप देख सकते हैं चौड़ा जैसा प्लाजो होता है ना, प्लाजो पैंट काइंड ऑफ लुक देता है ये। तो अच्छा सा है, बेल्ट लगा के आप इसको स्टाइल कर सकते हो। इसको भी मैंने 500 में परचेज किया था सेल के दौरान। अभी आपको न्यू स्टॉक में मिल जाएंगे, चेंजेस जो हुआ थोड़े से कलर्स इसके चेंज मिल जाएंगे, थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज मिल जाएगा। जितने पॉसिबल लिंक्स हो पाते हैं मैं आपको सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और जो मेरी लास्ट परचेजिंग है वेबसाइट से वो है फुटवियर। तो गाइस, जब भी मैं वेबसाइट में शॉपिंग करने जाती हूँ मैं फुटवियर तो हमेशा लेती ही लेती हूँ, क्योंकि वेबसाइट के फुटवियर्स जो होते हैं वो आपको बहुत सारे स्टाइल्स में मिल जाते हैं, बहुत सारे टाइप के मिल जाते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही अच्छे स्टाइल के मिल जाते हैं। तो अभी फ्लैट का जो ट्रेंड है फिर से चल रहा है, तो मैंने यहाँ से फ्लैट परचेज किया। आप देख सकते हो इतना सुंदर इसमें लीव्स का पैटर्न दे रखा है, ऑरेंज येलो एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में। ये ऐसे फुटवियर होते हैं कि आप इनको वेस्टर्न के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, आइदर आप इसको जो अपना एथनिक सूट है उसके साथ भी पेयर अप कर सकते हो, सब पे चल जाता है और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मैं हील बहुत कम प्रेफर करती हूँ, दैट्स व्हाई मैं ये लेती हूँ। अगेन से इसकी जो रेंज है वो 500-600 मुझे पड़ी थी, और ये है लूना ब्लू की तरफ से 38 साइज मैंने परचेस किया है। आप देख सकते हैं इसको मैंने 1 wear भी कर चुकी हूँ 2-3 बार, तो मैं वो भी पिक्चर्स डाल दूंगी ये पहनने के बाद कैसे लगते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका जो पट्टा दे रखा है, इसका जो बेस बनाया हुआ है जुट काइंड ऑफ मटेरियल से बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट मैंने ये फुटवियर परचेस किए हैं वेबसाइट से। फुटवियर की बात होगी तो एक और फुटवियर मैं आपको शो करती हूँ, जो कि मैंने आजियो से रिसेंटली परचेस किया है, एवर क्यूपिड ब्रांड। ये आजियो का ही एक ब्रांड है, मतलब इस तरह के आपको बहुत सारे अफोर्डेबल ब्रांड जो है फुटवियर में आजियो में मिल जाएंगे। अगर आपको बहुत ही अंडर 500 या 600 के अंदर अगर आपको अच्छी से अच्छी हील चाहिए तो डेफिनेटली आप इस ब्रांड को चेक कर सकते हैं। अच्छे से जो शूज जो पेयर मैंने मंगवाए थे वो इस तरीके से पैक होके आए हैं। अब मैं आपको वो पेयर्स दिखाती हूँ, गाइस इतने अच्छे हैं, मल्टी वे में आप इसको यूज कर सकते हो। लुक एट द कलर, एकदम न्यूड कलर मैंने मंगाया है, ब्राउन साइड का जो न्यूड कलर है, दो
होती और फिर यहाँ पर जो बूथ के पैटर्न दे रखा होता है वो दे रखा और इस तरह की जो ब्लॉकेज टाइप की हील होती थोड़ी सी हील, ये काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है अभी, तो मैंने ये मंगाई है। इसको जब आप पहनते हो तो आप उसको पूरे दिन पहन सकते हो, ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती है आपके पैरों को, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है। यहाँ आपको आगे कुशन भी प्रोवाइडेड है और इसकी प्राइस सुनोगे तो आप सुनते ही रह जाओगे, 550 में मैंने इसको मंगाया है गाइस। ट्रस्ट में इतने सारे इसमें कलर्स मिल जाएंगे आपको, लाइक 9 to 10 तो इस पर्टिकुलर के कलर मिल जाएंगे। तो इसमें ना एवर, क्यूपिड, स्वर्णा, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं आगे भी और ट्राई करने वाली हूँ इन ब्रांड्स को। इसमें आपको 500 से 600 तक, 700 तक बहुत अच्छे अच्छे पेयर्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा भी नहीं कि इनकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इनको मैंने पेयर किया, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डालती रहती हूँ, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, हर एक आउटफिट का फुल डिटेल, उसको कैसे स्टाइल करना है, इनको कैसे स्टाइल करना, तो सबकी जो वीडियोज़ है आपको इंस्टा पे मिल जाएगी। नेक्स्ट मैंने शॉपिंग की है गाइस H&M से, तो H&M पे भी उस टाइम पे सेल चल रही थी 1 month पहले, अभी भी कुछ आइटम जो है सेल में आपको ऑनलाइन दिख जाएंगे। तो मैंने वहां से एक वेलवेट काइंड ऑफ ट्राउजर मंगाया था, हाई वेस्ट ट्राउजर है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये साइट पे, और इनकी जो फिटिंग है ना गाइस अमेजिंग है। यहाँ पर आपको ये एक बहुत ही बड़ा टाइप करने के लिए धागा मिलता है, जिसको आप अपने, मैं साइड में पिक्चर्स डालूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, पेट के ऐसे क्रिस क्रॉस में टाइप कर सकते हो, तो बहुत ही डिस्को काइंड ऑफ फीलिंग आ जाती है इसको पहनने पर। और ये बेल बॉटम काइंड ऑफ जो होता है ना ट्राउजर, इस तरीके से है, यहां से आपको आगे से पूरी फिटिंग देगा और लोअर पोर्शन रहते हैं थोड़ा सा ये लूज काइंड ऑफ हो जाएगा। मटेरियल जो है बहुत ही सूथिंग मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है, ग्रे कलर में मैंने इसको पिक किया है। आप चाहे तो इसके सेम मैच का ऊपर वाला क्रॉप टॉप भी ले सकते हैं, बट जस्ट मुझे यही ट्राई करना था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको इस तरीके से लिया है कि जैसे मैं कुर्ती के नीचे इसको स्टाइल कर सकूं या कहीं बाहर जा रहा हूं तो टी शर्ट के नीचे वगैरह। और विंटर में तो ये बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट है, मतलब बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार आपको सर्दी लग रही है। क्वालिटी इसकी बहुत अमेजिंग है, जस्ट 600 rupees से मैंने बाय किया है, आपको ऐसे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, साइड में पिक्चर्स डाल दूंगी जिससे आप आराम से इसको देख सकते हैं। और लास्ट जो मेरी परचेसिंग है वो मैंने लिए है क्रॉप टॉप, तो मैंने लिए है फॉरएवर 21 से यहाँ पर 2 crop top। मैं क्रॉप टॉप बहुत ज्यादा लेती हूँ, हालांकि मेरे डेली वेयर में यूज नहीं आते हैं, बट मैं साड़ी के नीचे क्रॉप टॉप वेयर करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जो लुक है वो भी इन्हांस हो जाता है, बहुत ही अच्छा सा ग्लैमअप वाला लुक आपको मिलता है। तो मैंने सेम पैटर्न के 2 crop top अलग अलग कलर में मंगा लिए, तो पहला जो है ना ये आप देख सकते हैं फॉरएवर 21 यहाँ पे लिखा है, मीडियम साइज है, तो इस तरीके से ऑलिव कलर में मैंने मंगाया है। और ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि स्वीट हार्ट नेक जो है बहुत ज्यादा चल रहा है, अगर आप साड़ी वियर करते हो स्वीट हार्ट नेक, कोई भी स्कर्ट है, कोई भी प्लाजो है, कुछ भी आप इन क्रॉप टॉप के साथ पेयर कर सकते हो, तो इस तरह की स्वीट हार्ट नेक है। और आगे आपको इस तरह का नॉट बांधा हुआ पैटर्न जो है ना वो मिल जाएगा, और ये जो है ना पूरी स्लीव्स है इसकी, स्लीव्स आप देख सकते हो फुल, तो मुझे फुल स्लीव्स का ही कोई ऐसा क्रॉप टॉप चाहिए था जिसपे आपकी साड़ी जो स्टाइलिंग है बहुत अच्छी लगे। और मैं जल्दी ही लेके आने वाली हूँ, इंस्टाग्राम पे भी रील्स लेके आने वाली हूँ इन क्रॉप टॉप को वियर करके, साड़ी वियर करके, और डेफिनेटली यूट्यूब पे तो आएगी। तो ये फर्स्ट क्रॉप टॉप है, बैक से आप देख सकते हो, बैक से इसकी जो नेक है ना वो कंप्लीटली पैक है, आगे से ये स्वीट हार्ट नेक प्रोवाइड कर रहा है आपको। और सेकंड जो है मैंने सेम ही पैटर्न का मंगाया है, और ये जो मैंने मंगाया है ये 1049 rupees में मंगाया है, दोनों क्रॉप टॉप ब्लैक कलर मंगाया है। ब्लैक जो होता है वो बहुत ही वर्सेटाइल कलर होता है, आप किसी के साथ भी इसको पेयर कर सकते हो, किसी के साथ भी अच्छा लगता है, जींस के साथ, किसी के साथ भी कोई सा भी कलर हो इसके साथ आप पेयर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अगेन बिल्कुल सेम पैटर्न है, स्वीट हार्ट नेक है और आगे से नॉट वाली डिजाइन, फुल स्लीव्स है, दोनों के साइज मीडियम है। एक्चुअली पहले ये 1499 का था और नेक्स्ट डे जैसे मैंने देखा तो इस पर 20-30% डिस्काउंट आ गया था, तो ये मुझे जस्ट 1049 के मिले हैं। इनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, हालांकि थोड़ी सी जो है ना विंटर जैसा लुक दे रहा है, तो आप इसको विंटर में भी डेफिनेटली पहन सकते हो, और कभी आपको स्टाइलिंग करना है तो आप समर में भी इनको पहन सकते हो। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताना, सबके साइट्स पिक्चर है, जितने भी लिंक है, जितने भी पॉसिबल लिंक मुझे मिल पाते हैं सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, इनकेस अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आप डेफिनेटली इनमें से परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।